तो गाइस आज का व्लॉग भी स्टार्ट करता हूँ शाम के टाइम में, और अभी मैं घूम रहा हूँ अपने घर के सामने, और यहाँ पे एक हमारी मिक्स ब्रीड की जर्मन शेफर्ड है, मिक्स और देसी ब्रीड है, पर एकदम मेल जंगलानों की तरह आई है, यहाँ पे बैठी है, मिक्स ब्रीड है, स्ट्रीट डॉग और जर्मन की क्रॉस ब्रीड थी, तो ये बहुत पहले से हमारे घर पे है। गाइस अभी एक बॉल करूंगा भैरों के लिए, उसकी डाइट के लिए, तो दिखाएंगे। हाँ ब्लॉग बनाओ तुन्नी, और ये देख लो गाइस ये मेरी चाय पूरी कर रहा है, मन तो हमारा था लेकिन हमने नहा लिया है। भाई शुरू हो जा पंखी, तो यहाँ पे नेशनल शेफ बना रहे हैं पास्ता, अभी भैरों को डाल देता हूँ, उसके बाद जाके मैं उसका एग बॉयल करूंगा। तो गाइस ये आगे कुकर, ये एग अब इसको बॉयल करता हूँ मैं, तो एग मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, गैस पे चढ़ा दूंगा अब, और ये 20 मिनट में बॉयल हो जाएगा अच्छे से। तो अभी आगे मैं भैरों को वॉक कराने के लिए, रात के टाइम में अभी रात का जाना साथ, इसको वॉक करा दूँ, अभी इसने डाइट ली है, कर ले पहले यही कर ले, तो कर ले हाँ हाँ इसी के लिए तो हम इतने मरते हैं, तुम लोग को घुमाते हैं, मेन तो यही है भाई साहब। चल आ जा कर, चल यार जल्दी चल, तो अकेले मुझे डर भी लग रहा है यहाँ पे। ओए चल आ गया मैं घर पे, और उस स्ट्रीट डॉग से मिलाते हैं इसको, तो जर्मन की मिक्स क्रॉस ब्रीड है, ले चलते हैं उसके पास में देखते हैं। वैसे ये कुछ करने का नहीं, बस वो डर जाएगी मेरे ख्याल से, जैसे डरती है जंगली है ना, वो खेतों में रही है शुरू से, क्योंकि वो सियार की तरह रखती है ना, तो गांव में उसे कोई रखने आने नहीं था अपने एरिया में, और वो डरती है, यहीं पर बैठी है वो, ये रही सोई है। चलो कोई नहीं, मिल लो प्यार से, मिल लो कोई ना मिल लो बारा, मिल लो। ओ भाई ओ हो, ये तो एग्रेशन कर रही है, घुरा रही है, और ओए ओए होए 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 होए, नहीं 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 नहीं, सीन हो जाएगा, ओहो सीन हो जाएगा, पहले सीन हो जाए, ओए रुक रहने दे, ओए नहीं 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 बच्चा नहीं, मत करो एग्रेशन, मुझे लगा वो ले जाएगी, बट ये ऑफलेस हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं करने की, बस काटने इसको आएगी, काट भी सकती है, ऐसी नहीं कि वो नहीं काटेगी, फीमेल अपने बचने के लिए कुछ भी कर देगी। एक बार और दिखाऊँ, चल रहे शुरू हो गया गाइस, अभी देखना उसका फेस, ओह भाई साहब एकदम डर लग रहा है भाई, जान देता हूँ, रहने ओए रहने दे, ओए छेड़िए मत उसको, ले लेगी तेरा, आहा मेरी बहन ने भाई पास्ता बना दिया, क्या ही लग रहा है, बड़े सीरिया को दूँ क्या थोड़ा सा, बट नुकसान करेगा डॉग्स को, चलो मसाला वगैरह नहीं देते हैं, खा लेते हैं अपना मस्त। तो गाइस एक बॉयल हो चुका है, अभी इसको खोलते हैं देखता हूँ हुआ कि नहीं, बॉयल हो चुका है मतलब इसमें क्रैक आ गया, मतलब ये बॉयल हो गया है, तो अब इसको निकाल देते हैं इसमें से। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और मैं उठा हूँ, और मेरे भाई बहन भी यहाँ पे हैं, हम लोग वॉक पे जाएंगे, बस एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, वो आ रहा है, तो उसके साथ में हम जाएंगे। आगे में 2 लैब्राडोर्स आ रहे हैं, और डर लग रहा है कहीं फाइट ना हो जाए, क्योंकि एक मेल है ब्रदर भैरों का, जो पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था, कुछ हो ना तो बस यही मैं चाहता हूँ, अभी आगे चल के देखते हैं। लैब्राडोर आ गए, ये ब्लैक वाली लूसी तो कुछ कहेगी नहीं, बट इसका भाई जो है ना मेल, ये कुछ कह सकता है गाइस, भाई अग्रेसिव हो गया भाई, दोनों हाइट देखो गाइस कितनी छोटी है भैरों से दोनों की, और लूसी कैसी है, और भाई मेल मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करने वाला है, हट जा फाइट होगी लग रहा है मुझे यार, लूसी तो कुछ नहीं कहेगी बट ये मेल मुझे लग रहा है कर लेगा, छोटा सा एग्रेशन दिखा रहा है अभी, अरे भाई कुछ करियो मत, ओए घीच लेता हूँ, अरे ओए हट 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 हट, अभी मैं आपको सीन समझा देता हूँ हुआ क्या। तो भैरों को मैंने सिखा रखा है ग्रिप लगाने के लिए, बहुत सारे शॉर्ट्स में आपने देख भी रखा होगा, बहुत क्याड़े ग्रिप लगाते हैं, और इस लूसी ने कुछ नहीं करा ब्लैक वाली ने, बट ये जो व्हाइट कलर का लैब्राडोर है मेल, इसने अटैक कर दिया, और गाइस भैरों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके गले पे, वहाँ से बाल वगैरह भी उखाड़ दिया, वहाँ पर लगा दिया था इसने ग्रिप, जैसे कपड़े पर लगाता है और ये टायर पर, और फिर छुड़ाना पड़ा मुझे, मार के देखना गाइस कैसे मार के मैंने छुड़ा दिया, बट उसके गले पर मैं इसको उठ करके दिखाऊंगा भाई, लग गई उसके गले पर, मैं दिखा दूंगा आपको अभी, कि उसके कॉलर से उसके गले की बाल निकल गई थी, और फिर भैरों ने उसी पे उसको दांत मार दिया, तो वहाँ से ब्लड आने लगा, यही सीन हुआ बस छोटा सा था। फिर चला गया भैरों को भैरों के सिस्टर से मिलाने के लिए, उसका नाम है लीली, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था भाई, वो बहुत अच्छी है गाइस, एकदम एक नंबर की डॉग है गाइस, भैरों से बहुत अच्छे से मिलती है, अग्रेशन वगैरह नहीं करती है, गाइस ये गेट के अंदर से आ गई भाई, मिलना स्टार्ट कर दिया भाई बहन ने, भाई क्या ही सीन है इनका, वैसे भाई बहन नहीं है बट हम कह दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सेल करवाया था कहीं से इन अंकल जी को, तो इनके ऑनर पता नहीं कहाँ लोग ऑनर रहते हैं, डॉग्स को बाहर ही निकालते सुबह टाइम, निकाल देना चाहिए गाइस, इसका कलर देखो एक नंबर का कलर मुझे लगता है, एकदम डार्क कलर का गाइस, अभी देखना गाइस गेट से नीचे निकलने की कोशिश करेगी है,
2 3 बार ये निकल भी चुकी है गेट से नीचे, अब ये घुस जाएगी गेट के नीचे। ओ हो भाई, रहने देता हूँ, नहीं तो निकल जाएगी, फिर भागने वगैरह लगेगी, मेरा ही प्रॉब्लम होगा, मुझे ही पकड़ना पड़ेगा इसको ढूंढ करके। बह रहा हूँ, हट जा हट जा। कुछ दिन में गैस उसके पपीज़ भी मिलेंगे हमको, देखने को मिलेंगे, अभी तो नहीं बट 3 4 महीने बाद मिल सकते हैं, तो आपको उसके पपीज़ भी दिखाऊंगा, काफ़ी सही क्वालिटी अगर आप बता देना, लेबराडोर का, अमेरिकन लेबराडोर के हिसाब से, और कलर भी बता देना। आजा आजा, हाथ लगा लूँ मैं भी, थोड़ा सा नीचे ही घुस रहे भाई। भैरव तू भी घुस जाएगा क्या उसके घर में? बट गैस यहाँ पे भैरव की हेड सबसे ज़्यादा है लेबराडोर्स में, इधर के लेबराडोर्स में सबसे ज़्यादा